This is Aisha from Edge Immigration Services और आज बात होगी ब्रेकिंग न्यूज की कि कनाडा ने अनाउंस किया है कि 20% रिडक्शन इन इमिग्रेशन एक्सपेक्ट करें फॉर द ईयर 2025। ये एक इतनी बड़ी न्यूज है जो कि आज अक्टूबर 24 अक्टूबर 2024 को अनाउंस हुई है, जिसमें इमिग्रेशन लेवल प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आज अनाउंस हो गए हैं। और उसकी हेडलाइन ये है कि हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर और जस्टिन ट्रूडो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि कनाडा 20% रिडक्शन इन इमिग्रेशन चाहता है। आपको आज मैं ब्रेकडाउन दूंगी कि 20% रिडक्शन किन किन स्ट्रीम्स पे, किन किन जगहों पे अप्लाई होगा, हम क्या क्या चेंजेस देखेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जी, कहते हैं कि रिडक्शंस इन टारगेट्स फॉर पीआर एडमिशंस ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें 2025 में 395,000, जो कि डाउन फ्रॉम द फिगर ऑफ 485,000 जो कि 23-24 में अनाउंसमेंट थी कि होना था, लेकिन अब उससे रिडक्शन कर दी गई है। 2026 का फिगर 380,000 डाउन फ्रॉम द नंबर ऑफ 500,000 और 2027 में 365,000 डाउन फ्रॉम 500,000। ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, फिगर्स हैं कि देखें कहाँ हम बात हो रही थी कि अगले 3 साल में हर साल में 5 लाख लोगों को बुलाएंगे, और कहाँ वो रिड्यूस करके 385 यानी 385 और 27 में तो 365,000 कर दिया गया। तो चलिए, उसके अलावा वो कहते हैं जी, वाइल द गवर्नमेंट रिड्यूस इमिग्रेशन ओवरऑल, सो इट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक इमिग्रेशन। ये एक डिफरेंट ब्रेकडाउन है जो मैं आपको देती हूँ कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन में 2024 में 232,000 फ्रॉम 256,000 ये रिडक्शन हुई है। 2026 के लिए 229,000 फ्रॉम 249,000 और 2027 का 225,000 फ्रॉम 246,000। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको फर्दर ब्रेक डाउन इसका मैं आपको बताती चलूं कि 2024 में जो कहते हैं कि 232,000 लोग होंगे, तो उसमें फैमिली रीयूनिफिकेशन का 94,500 नंबर है। 2026 में 88,000 और 2027 में 81,000। और रेफ्यूजी, प्रोटेक्टेड पर्सन, एचएनसी एंड अदर कैटेगरीज में 2024 में 68,350, 2025 में 68,350, 2026 में 62,000 और 2027 में 58,000। तो ये वो आपको मैंने बताए हैं फिगर्स जो कि इकोनॉमिक इमिग्रेशन के प्रोपोर्शन को इंक्रीज किया गया है ओवरऑल इमिग्रेशन में। हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल भी एक इमिग्रेशन लेवल्स प्लान आया था, जिसमें बताया गया था कि हर साल 5 लाख इमिग्रेंट्स को कनाडा वेलकम करेगा, लेकिन जैसे ही जो इनका कहते हैं इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स का आना शुरू हुआ, कनाडा स्टार्टेड फेसिंग नंबर ऑफ इश्यूज, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन सर्टन सिटीज एंड प्रोविंसेस इंक्रीज एंड रीच अप टू 6% एंड मोर, जो कि पहले बहुत मुश्किल हुआ था कनाडा में कि ऐसा नहीं होता था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो रहता था। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस और बहुत कुछ जो है कनाडा में हिल गया, जिसके बिना पे जो पिछले 3 साल के प्लान थे उनको चेंज करके, जो प्लान किया था कि 5 लाख लोगों को इमिग्रेशन देंगे तो उनको घटा के 25 में 395, 26 में 380 और 27 में 365 कर दिया गया है। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन लेवल प्लान में टेम्परेरी रेजिडेंट लेवल्स टारगेट वो भी अनाउंस हुआ है, जो कि पहले
और पिछले लेवल प्लान्स में हरगिज नहीं होता था। टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स कौन होते हैं? उसमें स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट होल्डर्स दोनों आते हैं। सो द गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो रिड्यूस करेंगे टेम्प्रेरी रेजिडेंट लेवल्स एज ए प्रोपोर्शन ऑफ कैनेडाज ओवरऑल पॉपुलेशन फ्रॉम 7% टू 5% बाई द एंड ऑफ 2026। ये वो फिगर्स हैं जो कि इस साल आज 24th of October 2024 में आए हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको ग्रेस्ट करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप वीडियो को रोक कर देखेंगे, साथ में मैं आपको जो है फिगर्स का चार्ट भी लगा रही हूँ, लिंक भी हम अटैच करेंगे ताकि आप और डिटेल में पढ़ सकें। मेरा प्लान हमेशा यही होता है कि आपको चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई करके बताओ कि जो लेमैन है उसको भी समझ में आ जाए। तो वो जो ह्यूज लॉयर्स वाली लैंग्वेज है, आई ट्राई नॉट टू यूज इट, ताकि इजी और सिंप्लीफाई होके हर एक को समझ आए। टेम्प्रेरी रेजिडेंट लेवल प्लान जो कि पहली बार इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में अनाउंस हुआ है, उसमें वो कहते हैं जी नेक्स्ट 3 ईयर्स का ब्रेक डाउन फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट लेवल्स। सो टोटल TR अराइवल्स एंड टेम्प्रेरी रेजिडेंट अराइवल्स एंड रेंजेस 2025 की 673,650, 2026 में 516,600 and 2027 में 543,000। ये फिगर है, इसका ब्रेक डाउन वर्कर्स और स्टूडेंट्स में क्या कैसे किया गया है। तो 2025 में जो 673,000 टोटल TR अराइवल्स होना है, उसमें वर्कर्स हैं 367,000, स्टूडेंट्स हैं 305,000। वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स आप देखिए 2026 में टोटल अराइवल्स 516,000, उसमें वर्कर्स 210,000 और स्टूडेंट्स 305,000 और 2027 में टोटल TR टेम्प्रेरी रेजिडेंट अराइवल्स होंगे 543,000, उसमें से वर्कर्स होंगे 237,000 और स्टूडेंट्स होंगे 305,000। टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स जो हैं वो PR में अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं आइदर अप्लाइंग थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसको CEC कहते हैं, या फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स PNPs और एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। तो यही एक तरीका है जो कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को PR का स्टेटस दिलाता है। और टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स फ्रॉम 7% ऑफ कैनेडाज पॉपुलेशन ऑफ 5%, ये टेम्प्रेरी रेजिडेंट लेवल प्लान दिया गया है जो कि पिछले इमिग्रेशन लेवल प्लान्स में इंक्लूडेड नहीं था। आज की वीडियो का मेरे प्यारे सुनने वाले और जो क्लाइंट्स हैं उन सबको मैसेज जो देना चाह रहे हैं इमिग्रेशन कैनेडा और जस्टिन ट्रूडो और हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर, वो ये है कि कैनेडा डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहा है, अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दोबारा से लोअर डाउन करना चाह रहा है। बहुत सी जो हमारे हाउसिंग इश्यूज थे, यानी कि लोगों को रेंटल अकोमोडेशंस मिलना तक बंद हो गई थी, हाउसेस प्राइसेस अप हो गई थी क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट्स आ गए थे और सैचुरेशन हो रही थी, और जो एक इशू उठा था कि जो कैनेडा में ऑलरेडी PRs और सिटीजन्स हैं जो आ चुके हैं उनको ही अगर जॉब्स नहीं मिल रही तो हम कैसे टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स को वर्क परमिट्स पर कैनेडा बुला सकते हैं। वर्क परमिट पे उसी वक्त बाहर से टेम्प्रेरी फॉर्म वर्कर आता है जिस वक्त वो टेम्प्रेरी फॉर्म वर्कर की जॉब कैनेडा में कोई और बंदा लेने के लिए अवेलेबल नहीं होता। इस वक्त इश्यू ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग ऑलरेडी कैनेडा में वो जॉब्स लेने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो हम कैसे फॉरेन वर्कर बाहर से बुला सकते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इमिग्रेशन कैनेडा ने सामने रखा, बिल पास हुए, बहुत सी रद्दोबदल हुई, लॉट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन लॉज, अ लॉट ऑफ चेंजेस आर अबाउट टू कम एज वेल। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चेंजेस पॉजिटिवली कैनेडा की इकोनॉमी को बेहतर बनाए, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन हैव मोर माइग्रेंट्स
कमिंग टू कैनेडा टू मेक इट देयर होम ऑफ फ्यूचर. सो अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए. हमसे आप किसी किस्म की भी कंसल्टेशन लेने के लिए रابطہ कर सकते हैं एट ash.immigration1@gmail.com. कीप दैट इन माइंड कि हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे जिसके बाद आप हमसे बात कर सकेंगे. दैट वुड बी अ पेड अपॉइंटमेंट. हमसे इसरार ना कीजिए कि मैडम हम आपको केस होने के बाद पैसे देंगे. कीप वन थिंग इन माइंड, इतना हमारे पास क्लाइंट्स कॉल्स हैं आजकल कि हम कोई भी रैंडम कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे. सो काइंडली ईमेल, अपना मैसेज हमें ईमेल पर भेजिए, चाहे तो रेज्यूमे अटैच कीजिए, साथ में हमसे अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर बात करेंगे. अपना ख्याल रखिए और होप टू सी यू ऑल सून इन कैनेडा.